नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग, कुंभ राशि 2020। शनिदेव क्या जीवन में चमत्कार करेंगे? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 25 दिसंबर 2019 को पांच ग्रह एक साथ हैं, शनिदेव, सूर्य, गुरु, केतु और बुध। और आप कुंभ राशि वालों, आप बहुत लकी रहेंगे 13 जनवरी 2019 तक, क्योंकि आपके लाभ स्थान पर पांच ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। अगर आप व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारोबार करते हैं, दलाली शेयर मार्केट में काम करते हैं, तो यकीनन आपके लिए ये समय बहुत फायदेमंद है। व्यापार में वृद्धि के योग हैं, पैसा आएगा और साथ ही मंगल स्वराशि में भ्रमण कर रहे हैं तो रूचक नामक राजयोग भी बन रहा है, सरकारी नौकरी मिलनी तय है, प्रयास करते रहें। अगर हम पूरे साल की बात करें तो 2020 आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और कुंभ राशि वालों, आपके ऊपर हालांकि शनि की साढ़े साती शुरू हो रही है और शनिदेव आपके लग्न के स्वामी भी हैं, तो आपके लाभ भाव में यानी धनु राशि में अभी हैं 24 जनवरी 2020 तक, लेकिन इसके बाद मकर राशि में जाएंगे, तब यहाँ पर व्यय स्थान में आकर थोड़े खर्च तो कराएंगे, लेकिन बन रहा है सस नामक महापुरुष राजयोग, तो यानी इस राजयोग का फायदा भी मिलेगा आपको। अगर 2020 की बात करें हम, राहु और केतु पंचम भाव में और लाभ भाव में रहेंगे, तो यहाँ पर आपको वाणी पर मिठास कायम रखना है और संपत्ति को लेकर कोई विवाद हो सकता है तो जरा संभल के रहें। वैसे भी अगर हम आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो बहुत उत्तम रहेगा और बहुत खूबसूरत समय है, इसका आप जी भर के फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आप जॉब करते हैं तो साल के आरंभ में ही आपको थोड़ी सी परेशानी दिखती है, हालांकि आपके लिए बहुत कुछ विशेष भी होगा, ऐसा नहीं है कि सब कुछ गड़बड़ी होगा, क्योंकि जॉब में परिवर्तन की संभावना है। और जून जुलाई में खासकर थोड़े सतर्क रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे, तो जरा सावधान होकर रहना है। और यदि आप नई जॉब की तलाश कर रहे हैं तो जॉब मिलने की संभावना एकदम से 100% बनी हुई है, तो थोड़ा सा प्रयास में आपको अच्छी जॉब मिलेगी। अगर आप चाहें तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, वेतन वृद्धि होगी, विदेश जाकर नौकरी भी आप कर सकते हैं। धन की बात करें तो ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि थोड़े से ही आप मेहनत से धन ज़्यादा आएगा, हालांकि थोड़े खर्च होंगे पर शुभ चीज़ों में होंगे, घूमने फिरने में, घर में साजो सामान में, अपना घर खरीदने में, इन चीज़ों में खर्च होंगे, बिना मतलब के खर्च नहीं हो रहे। अगर आप व्यवसायी हैं तो जैसा हमने कहा पांच ग्रह एक साथ हैं, तो यहाँ पर शुभ चीज़ें तो बन रही है, लेकिन 13 जनवरी 2020 तक, इसके बाद थोड़े से आपको थोड़े कुछ दिन संभल के रहना है और साल के अंत में थोड़ी सी आपको, अगर आप व्यापारी हैं तो परेशानी हो सकती है, तो यहाँ पर आपको संभल के रहना है। लेकिन जैसे ही देवगुरु बृहस्पति शनि देव के साथ आकर नीच भंग राजयोग बनाएंगे तब चीज़ें एकदम से बेहतर हो जाएंगी 20 नवंबर से। अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो थोड़ी सी सिर्फ सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं ही परेशान करेंगी, ज़्यादा कुछ परेशान नहीं कर रहा, आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप इस 2020 में यकीनन आपका मन पढ़ाई में लगेगा भी, और आप जिस भी क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं उस क्षेत्र में आपको अनुकूल लाभ भी मिलेंगे, कुछ नई उपलब्धियां भी मिलेगी। हालांकि कभी कभी लगेगा जैसे मन आपका एकदम से व्यग्र हो रहा है, पर चीज़ें एकदम से धीरे धीरे ठीक भी हो जाएंगी, क्योंकि आप में जो थोड़ा सा आलस्यपन है इससे बचना होगा। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उचित समय है, आप इसका फ़ायदे उठा सकते हैं। अगर लव लाइफ की बात करें तो इस समय आपके लव में बहुत ज़्यादा एक मीठापन रहेगा, प्रेम संबंध में मधुरता आने के साथ साथ और मजबूत होंगे, मौज मस्ती में समय व्यतीत होने वाला है। क्या करें, वैसे भी आपके राशि के स्वामी हैं शनिदेव, तो ऐसे में अगर आपको लगे कि परेशानियां शनि की साढ़े साती चल रही है, शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी है, अगर आपको आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है और आपको लग रहा है कि परेशानियां ज़्यादा है, तब ऐसे में शनिवार के दिन सरसों के तेल में अपनी छाया देकर किसी गरीब को दान कर दें, और साथ ही शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दिया जलाएं, उसके बाद दिया जलाने के बाद हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनका दर्शन करें, तो आपके पक्ष में चीज़ें आने लगेगी और बुरे परिणाम से, बुरे प्रभाव से आप सुरक्षित बने रहेंगे। वैसे तो हनुमान चालीसा पढ़ना भी हितकर होता है, लेकिन इतनी ही चीज़ें काफ़ी है आपके लिए, और हनुमान चालीसा पढ़ना अच्छी बात है,
एक सुरक्षा कवच बनता है शरीर के चारों तरफ। छल कपट से दूर रहिएगा और कर्म करते रहिए, बेईमानी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और खाने में अगर आप काले चने का प्रयोग करते हैं शनिवार के दिन तो बहुत अच्छा रहेगा। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं, शनिदेव यूं ही कृपा आप पर बरसाते रहे। हर हर महादेव। धन्यवाद।